सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? होप कि सभी लोग बढ़िया ही होंगे एंड अपने अपने घरों पे मौज ले रहे होंगे। तो गाइज, आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने किसी भी ब्लर फोटो को HD क्वालिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे वो फोटो किसी फोन से लिया गया हो या फिर किसी DSLR कैमरे से। अगर उस फोटो में क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है तो आज की इस वीडियो को आप देख के क्वालिटी इंक्रीज करना सीख जाओगे। इसके लिए आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है रेमेनी। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, फिर मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, रेमेनी आपको आपको ओपन कर लेना है एंड अपने फोन के डाटा को भी ऑन कर देना है एंड उसके बाद आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट एंड फिर से नेक्स्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा एंड लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे आप अपना कोई भी अवतार क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कोई भी अवतार क्रिएट नहीं करूँगा, यहाँ से मैं इस एरो वाले आइकन पे क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट में ही आपको मिल जाता है ऑप्शन इनहेंस का, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से यहाँ से आपको यूज़ इट पे क्लिक करना है। तो यूज़ इट पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे अपना गैलरी ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपको उसके बाद परमिशन देना पड़ेगा। तो यहाँ से परमिशन देते हैं और यहाँ से एक फ़ोटो को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एग्जांपल के लिए, ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो इस फ़ोटो को मैं ब्लर कर रहा हूँ थोड़ा सा, आप देख सकते हो ये फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा ब्लर है। तो इसमें हम लोग क्लियरिटी ऐड करेंगे, तो उसके लिए सिंपली स्टिक वाले आइकन पर क्लिक कर देता हूँ मैं। तो करते हैं स्टिक वाले आइकन पर क्लिक, तो यहाँ पर ये अपना काम शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऐड देखना पड़ेगा 30 सेकंड का, तो यहाँ पे आप ऐड देखना तभी आपका क्वालिटी इंक्रीज़ होगा। ऐड देखने के बाद आपको इस कट वाले आइकन पे क्लिक करके बैक आ जाना है और यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी इंक्रीज़ हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ अभी। ये देखो गाइस, वीडियो को आप HD क्वालिटी में देखो तभी आपको पता चलेगा। तो इसको सेव करने के लिए आपको राइट साइड पर एक सेव का आइकन दिख रहा होगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे और आपकी फ़ोटो यहाँ पे सेव हो जाएगी। और यहाँ पे एक छोटा सा ऐड चलेगा, इसको आपको स्किप कर देना है, तो यहाँ पे स्किप कर देते हैं। अगर आपको अभी भी अच्छे से समझ में नहीं आया तो एग्जांपल के लिए मैं एक और फ़ोटो लेता हूँ, तो उसके लिए चलेंगे इस होम वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं होम पे, फिर से यहाँ पे आपको इनहेंस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं इनहेंस पे, यूज़ इट पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ मैं और एक फ़ोटो को फिर से ले लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो इस वाले फ़ोटो को भी आप देखो, काफ़ी ज़्यादा ब्लर है फ़ोटो, काफ़ी ज़्यादा ब्लर है इसमें भी। तो इसमें भी हम लोग क्लियरिटी ऐड करेंगे, तो उसके लिए हमें फिर से स्टिक वाले आइकन पे ही क्लिक करना पड़ेगा। तो करते हैं और यहाँ पे ये अपना काम शुरू कर चुका है। तो यहाँ पे फिर से आपको ऐड देखना पड़ेगा 30 सेकेंड का, वो ऐड 15 सेकेंड का भी हो सकता है, 5 सेकेंड का भी हो सकता है। तो ऐड आपको फुल वॉच करना ही पड़ेगा। ऐड ख़त्म होने के बाद सिंपली आपको कट वाले आइकन पर क्लिक कर देना है एंड बैक आ जाना है। और यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी इंक्रीज़ हो चुका है इस वाले फ़ोटो में भी। मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि वीडियो आप HD क्वालिटी में देखो, तब आपको अच्छे से पता चलेगा बिफोर एंड आफ्टर का फ़र्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से काम करता है ये ऐप। सेव करने के लिए आपको सिंपली इस सेव वाले आइकन पर क्लिक कर देना है एंड इस फ़ोटो को सेव कर लेना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर से बताना एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।